परेशानी हो रही है भाई आप लोगों को इस नाले खुले से? हम लोग को ये नाले के लिए हमने अर्जी दी थी 6 महीने पहले, तो अभी तक हम लोग ने लेके गए थे कल उनके पास कि भाई 6 महीने हो गए अभी तक ये क्यों नहीं हो पा रहा स्लैब। तो बोल रहे कि हम हमारे पास अभी वो बिल पास नहीं हुआ, जब पास होगा तो बना देंगे। लेकिन भाई अभी फ़िलहाल यहाँ पे बच्चे लोग बहुत गिर रहे हैं। यहाँ पे 4 दिन पहले भी एक बच्चा गिरा था, वो भी सीरियस हुआ था। इससे पहले भी बहुत गिर चुके थे और मच्छर यहाँ पे इतने हैं कि महीने 2 महीने में किसी न किसी को डेंगू मलेरिया हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई TMC की तरफ से हम लोग को यहाँ पे स्लैब सफाई हो और यहाँ पे स्लैब डाल के। आपने ये लेटर डाला तो आपको क्या रिप्लाई क्या मिला लेटर में? रिप्लाई हम लोग म्यूनसिपलिटी ऑफिस में लेके गए थे इसको, तो यहाँ पे उन लोग का खुद का डामाडोल है कि किसको पता ही नहीं कि किसके वार्ड में आता है ये। और दीवा प्रभाग समिति, उमरा प्रभाग समिति, इनको किसको पता नहीं क्योंकि हमने एप्लीकेशन भेजे भी 5 महीना हो गया इसको और 25 साल से नाला खुला है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हमने उनको भी बताया, तो वो भी बोलते हैं अपने खर्चे से। किनको बताया आपने? उनका नाम शालम भाई। उनने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बोले थे मैं अपने खर्चे से करवा के दूंगा अगर काम नहीं हुआ तो। आज 5-6 महीना हो गया, कोई रिप्लाई नहीं उनका भी और ना म्यूनसिपैलिटी का। यहाँ पे डेली कोई ना कोई हादसा होता रहता है। गटर की हालत देखिए, 25 साल से ओपन पड़ा है, पूरी गर्म भाप आती है वहाँ से और कचरा इतना है अंदर कि बच्चे लोग बीमार होते ही रहते हैं यहाँ पर इस चाली में। डेंगू हुआ इनके भाई को, मलेरिया जैसी बीमारी को बड़े लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। क्या 2-3 साल के बच्चे लोग बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? TMC के साहब लोग उठाएंगे या फिर वार्ड का और नगर सेवक उठाएंगे? स्लैब हो बस इतना हम लोग चाहते हैं। कोई भी करवाए, TMC करवाए, कोई नगर सेवक आके करवा दे, लेकिन करवा दे। मच्छर के पीछे नाला भी साफ करने के लिए, पूरा गटर पीछे का भरेला है, गटर साफ करने के लिए आते हैं, पूरा संडास का पानी भर जाता है। कितने साल से कितने लोग को बोलते, कोई आता नहीं था साफ करने के लिए। कल जैसा बोलेंगे वैसे साफ करने के लिए आते, फिर चले आते, अपना काम होता निकाल दे। नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन TV में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ MIM के नगर सेवक शाह आलम साहब, जिनके कोतार क्षेत्र में आइडियल मार्केट के पास जो 110 मीटर का जो नाला है, उस नाले को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं हम लोगों से। उनका कहना है कि इस नाले को काफ़ी महीनों से मतलब साफ सफाई नहीं किया जा रहा है। उन लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों ने ममता को कई बार अब उस पर ध्यान आकर्षित करा, ना तो ममता ही कोई मतलब उनको ध्यान दे दिया, ना ही वहाँ के नगर से खासकर उन लोगों ने आपका नाम लेके कहा कि हमने उनसे भी कई बार शिकायत की, लेकिन शाह आलम भाई भी इस मामले पे ध्यान नहीं दे रहे। आपका इस बारे में क्या कहना है? मोहन भाई, ऐसा है कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ये जो आइडियल मार्केट का नारा है कितना बहुत पुराना नारा है, उसकी हालत आपने देखे कितनी बुरी हालत है। 25 साल से लोगों ने वहाँ, 25 साल से भी नगर सेवक थे वहाँ, मुझे आके अभी 2 साल भी नहीं हुआ, अभी मुश्किल से 19-20 महीने हो गए। आप देख सकते हो कि इस नाले की हालत इतनी ख़राब थी, तो मैंने देख के मेरे जीतने के 4 या 5 महीने के बाद उसकी मांग नहीं किया बनाने की। आप मेरा लेटर दे सकते हो, उसकी उसी है मेरे पास, मैं दिखा दूँगा। रहा सवाल स्थानिक लोगों की, स्थानिक लोगों ने मुझे नहीं बुलाया था वहाँ पे, मैं खुद से देखा, मैं खुद से उसके पीछे फॉलोअप में लगा था उस नाले के काम के लिए। स्थानीय लोग कोई मेरे पास आज तक कोई आया नहीं मेरे पास कि भाई वो नाले को करा के दो, नाले की हालत भी है। मैं खुद उसकी भाग दौड़ गया, मुझे मालूम है वहाँ तक भी वो नाला एकदम ख़राब हो चुका है। तो जो ये नाले का अभी काम भी चालू, आप देख सकते हो जाके, ये 130 मीटर का एक और 80 मीटर का एक, 2 फाइल उसकी बनी थी, 2 कंपनी को टेंडर लगा। तो अभी जो 130 मीटर का काम चालू है, उसका वर्क ऑर्डर आ गया, इसके लिए उसका काम चालू कर दिया, ओपनिंग मैंने दिया, काम भी चालू। आप जगह पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे जैसे गुड्डू खान से और वहाँ के, तो मैंने उनसे लोग मिला खुद जाके गुड्डू खान से कि गुड्डू भाई को मैंने लेके गया साथ में, साथ देखो ये नाला है, पीछे आवाम रहती पब्लिक है, वहाँ पे स्लैब नहीं है गटरों के ऊपर खुल रहा। तो मैंने उनसे बोला कि साहब आप मुझे इसके ऊपर स्लैब करने दो, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी का बहाव ज़्यादा था, कभी कोई बच्चा गिर गया, कोई हादसा हो सकता। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की इंसानियत के नाते, तो उन्होंने मुझे लगा कि ठीक है सालम भाई आप उसके ऊपर स्लैब डाल देंगे। अब वो जो कोने वाला हिस्सा 80 मीटर का है, उसका अभी टेंडर नहीं हुआ था, प्रोसीजर में 2 दिन 4 दिन जब भी, जैसे उसका प्रोसीजर, जैसे उसका टेंडर हो जाएगा, वर्क ऑर्डर आ जाएगा, उसका भी काम चालू हो जाएगा। मुझे भी इस बारे में कल एक ह्यूमन राइट से कोई सुहेल नाम है भाई का बताया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको बताया भाई कि आप खुद देख सकते हो कि मुझे 25 साल नहीं हुआ, मुझे 5
अभी 25 महीने भी नहीं हुए लेकिन इसका काम शुरू हो गया। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जब तो ये काम आया यहाँ तक नाले की उपनी हुई, नाले की फाइल बनाया, सर्व किया, जब भी तो जाके इसके ऊपर काम चालू हुआ, कोई ऑटोमेटिक तो हुआ नहीं। और आप उनसे पूछ सकते हैं जो मुझे मेरे बारे में ये कह रहे हैं, आप शालम भाई से मिले, पूछो आप उनसे कि कब मुझसे मुलाकात की उसको लेके। नहीं शालम भाई, मतलब आपका कहना है कि मतलब उस नाले की समस्या को लेकर किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, लोग किसी ने नहीं किया, मैं खुद कर रहा हूँ उसको बात जाओ, मैं खुद जाके आ रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे खुद, मैं 32 साल उसी इलाके में रह रहा हूँ, तो मुझे खुद आना जाना भी, मेरे भाई मेरे दोस्त लोग वहाँ रहते हैं, भाई कूदू के उसका घर है वहाँ पे, मैं वहाँ आता जाता हूँ, उन लोग मेरे को बताया तो उनसे पहले से मैंने वो काम उसके लिए चालू किया हूँ, इसीलिए उसकी फाइल में पका। मैंने वहाँ से क्या बोलते रहे अपना सिटी इंजीनियर ने इंजीनियर को ला के उसका सर्वे कराया, तापकिर को ले गया, उसने सर्वे किया, जब जाके इसकी फाइल बनी। अब ये फाइल 130 मीटर स्कूल का जो कोना है वहाँ तक है, उसके बाद उस कोने से लेके फारूक भाई का घर जो है वहाँ तक का है। आप फारूक भाई से भी पूछ सकते हो कि सालम भाई यहाँ आए थे, सर्वे कराए थे कि नहीं कराए थे, कौन कराया, वो सब बता सकते हैं आप। सालम भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी और कितना समय लगेगा पूरी तरीके से नाले को कम्प्लीट होने में? देखो, इसका कम्प्लीट होने में क्या, अभी एक काम चालू हो गया 130 मीटर वाला, अब इसका जैसे वर्क ऑर्डर आ जाएगा तो ये काम भी चालू हो जाएगा। और इसको मैं RCC काम हो रहा है, मतलब जो फ्लोरिंग जो गटर का तय का जो तल का हिस्सा है ना, वो भी इस वक्त RCC होएगा, और जो दोनों साइड की जो बाउंड्री है वो भी RCC वाल हो रही है। अभी पत्थर का बांध काम का नहीं कर रहा, मैंने RCC ले रहा, ताकि इसका काम 20 साल 25 साल 30 साल चले ये ना रहा, इसलिए मैं हेवी काम की मांग के दौरान उसका काम हो रहा है। दोस्तों, ये थे MIM के विभाग नगर सेवक शाह अहमद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से आप उस नाले को लेके मतलब अपनी राय रखी। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि जो नाला 25 साल से मतलब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने मतलब खुद उस लोगों के समस्या को संज्ञान में लेके उस नाले का काम शुरू कराया, और इंशाल्लाह आगे चल कर पाए तकनी तक पहुँचेगा। शालम भाई, आपने हमसे बात की, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन अवेश शेख के साथ मोहिन शेख, ग्रेट इंडियन TV। नमस्कार।